WPL 2024 फाइनल RCB का कमाल, दिल्ली कैपिटल को उसी के घर में रौंदाज हंसू अंदाज में जीता WPL का खिताब। स्मृति मंदना की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रविवार 17 मार्च को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में RCB ने दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराकर खिताब जीता। मुकाबले में RCB को 114 रन का टारगेट मिला था, जिसे टीम ने 2 विकेट गंवाकर 19.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। टीम के लिए एलिसा पेरी ने 35 और सोफी डिवाइन ने 32 और स्मृति मंदना ने 31 रनों की पारी खेली, जबकि शिखा पांडे और मुन्नी ने एक एक विकेट लिया। इस फाइनल में टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। इसके बाद पूरी टीम 18.3 ओवर में 113 रन पर सिमट ही गई। दिल्ली के लिए शेफाली वर्मा ने 27 गेंद पर 44 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान मेंग लेंगी ने 23 रन बनाए। RCB के लिए श्रियंका पाटिल ने 4 और सोफी मोलनिक्स ने 3 विकेट झटके। धासु शुरुआत के बाद इस तरह लड़खड़ाई दिल्ली। मैच में दिल्ली कैपिटल की शुरुआत धासु रही थी। टीम ने 7 ओवर में बगैर विकेट गंवाए 64 रन बनाए थे, मगर यहां से स्पिनर सोफी मिलनिक्स ने अपना कहर बरसाया और शुरुआती 4 गेंद पर 3 विकेट लेकर RCB की वापसी करा दी। शेफाली 44 रन बनाकर उठी और इसके बाद जोमिया रोड्रिक्स और एलएस कैप्सी बगैर खाता खोले आउट हो गई। सोफी ने इन दोनों को क्लीन बोल्ड किया। चौथा झटका 74 के स्कोर पर लगा। श्रियंका पाटिल ने कप्तान मेंगलिंग को 23 रन पर LPW आउट किया। इसके बाद आशा ने एक ही ओवर में मरीजन कैप को 8 और जेसन जॉनसन को 3 को शिकार बनाया। इन लगातार झटकों के बाद दिल्ली की टीम संभल नहीं सकी, 113 रन पर नाकर ढेर हो गई। RCB ने जीता अपना पहला खिताब। स्मृति मंदना की कप्तानी वाली टीम पहली बार फाइनल में उतरी थी, ऐसे में उसने अपना पहला खिताब भी जीत लिया है। बता दें कि दिल्ली ने पॉइंट टेबल में टॉप पर रहते हुए सीधे फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि एलिमिनेटर मुकाबले में RCB ने डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई को करारी शिक्षा दी। इसके बाद ही RCB ने फाइनल में एंट्री मारी। यदि यह मैदान पर रिकॉर्ड देखें तो फाइनल से पहले तक 8 में से 6 मैच जीते थे, जबकि RCB ने 8 में से 4 मुकाबले जीते थे। इस सीजन में दोनों टीमों के बीच यह तीसरी टक्कर रही। इससे पहले दोनों मुकाबले लिंग स्टेज के दौरान हुए, इसमें दोनों में ही दिल्ली को जीत मिली थी, मगर फाइनल में RCB ने बाजी मार ली। तो दोस्तों आपको बता दें, WPL में RCB को कप लेते हुए देखने के बाद फैंस काफ़ी खुश हुए। तो दोस्तों बता दें कि मेंस तो कप नहीं ले पाए, लेकिन वोमेन लेकर दिखा दी। इसी के साथ देखिए, WPL तो ख़त्म हो चुका है और IPL 22 से स्टार्ट होने वाला है, जो कि पहला मैच RCB वर्सेस चेन्नई का है। तो देखिए उसमें क्या होता है। लग रहा है इसमें मेंस भी कप ले लेगा, तब तो आओ ज़्यादा खुशी की बात है। दोस्तों चलिए, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।